हेलो फ्रेंड्स, वीएस आर्या फैशन डिजाइनिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लाइनिंग वाला कटोरी ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं वो दिखाने वाली हूँ। उसके लिए मेरे ब्लाउज के मेजरमेंट्स है। मेरे ब्लाउज की पूरी लंबाई 12.5 इंच, उसका शोल्डर है 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच, सीने की गोलाई है 34 इंच, कमर की गोलाई है 28 इंच, कटोरी है 5 इंच की, क्रॉस पट्टी है 3 इंच 2 इंच, आगे का गला है 6 इंच, पीछे का गला है 9 इंच, स्लीव्स की लंबाई है 4.5 इंच और स्लीव्स की गोलाई है 10 इंच। इसके लिए मैंने ये लाइनिंग यूज़ करने वाली हूँ और ये है ब्लाउज पीस का ऊपर का कपड़ा। ये इस मेजरमेंट का पेपर कटिंग मैंने रेडी करके लिया है। जो लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मेरा वो मेरे कटिंग के पहले वाले वीडियो देखकर कटिंग कर सकते हैं। अब इस बार मैंने ये कटिंग करके लिया है। अब ये लाइनिंग पे कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे और ऊपर का कपड़ा कैसे कटिंग करेंगे ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरा जो लाइनिंग है उसके उसके जो बॉर्डर होती है लाइनिंग की, वो एक के ऊपर एक के एक रख कर मैंने ऐसी लंबाई में इसके फोल्ड करके लिया है। और ये है मेरी ओपन साइड और ये है मेरी पैक साइड। और यहाँ अब हम जो पेपर कटिंग है वो रख के सबका कटिंग करके लेंगे। उसके लिए ये जो स्लीव्स है, ये स्लीव्स हमारे सिंपल वाले ब्लाउज जो होता है विदाउट लाइनिंग, उसके लिए हम 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। नीचे से पट्टी हम फोल्ड करते हैं, मगर लाइनिंग के ब्लाउज में हमें फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम पल्टी करके स्लीव्स लेते हैं। इसलिए मैंने 1 इंच का ये यहाँ फोल्ड लगा लिया। अब मैं ये सब ये इस पे रख के आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये लाइनिंग पे ये पेपर कटिंग रख के लिया है। ये पीछे वाला पार्ट है, कटोरी के साइड का पार्ट है, ये क्रॉस पट्टी कटोरी और ये स्लीव्स है। अब मैं इसका मार्किंग करके लेती हूँ। ये मेरा लाइनिंग है, लाइनिंग के ऊपर मैं मार्किंग करके ले रही हूँ। इसी तरह से सभी पार्ट का मैं मार्किंग करके लेती हूँ। ये सब मार्किंग मैंने करके लिए है, लेकिन ये क्रॉस पट्टी है वो एज यूजुअल हमें आधा इंच से नीचे की साइड से बढ़ानी है, वो मैंने बढ़ा ली है। यहाँ से मैं आधा इंच बढ़ा ली है और ये सेकेंड वाली क्रॉस पट्टी है वो भी मैंने नीचे से आधा इंच बढ़ा ली है। उसकी लंबाई मैंने आधा इंच से बढ़ाई है, वो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है। अब मेरा सब मार्किंग रेडी है। अब ये सब मार्किंग करके रेडी है, अब इसका मैं कटिंग करके लेती हूँ। ये हमारा मार्किंग करके सब रेडी है। ये मैंने 1.25 इंच की बैक की पट्टी निकाली है और उसमें हुक पट्टी भी आती है, और ये 2 इंच की मैंने आई पट्टी निकाली है। हाँ, हमारा ये जो ब्लाउज है वो लाइनिंग वाला है, मगर हम बैक को पट्टी ज़रूर लगाएंगे, उससे बैक साइड को सपोर्ट मिलता है। और ये जो क्रॉस पट्टी है ये 4 निकाली है मैंने, ये डबल कपड़ा है इस वजह से ये 2 है और ये 2 है। लाइनिंग वाला ब्लाउज है फिर भी हमने ये क्रॉस पट्टी 4 ही लगानी है। अब हम इसका कटिंग करके लेते हैं। ये मेरा साड़ी का कपड़ा है, यहाँ मैं इसे मैं लाइनिंग लगाने वाली हूँ। ये कपड़ा मैंने ये बॉर्डर है ये एक के ऊपर एक लेकर यहाँ एक बीच में से फोल्ड करके लंबी घड़ी ली है। अब इसके ऊपर में जो लाइनिंग का कटिंग करके लिया है मैंने वो रख के मैं इसका कटिंग करने वाली हूँ। उसके लिए ये पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा होता है वो बंद, जो बंद बाजू आती है पैक बाजू आती है वहाँ रख के लेने का। अब बाकी के जो पार्ट है वो सब यहाँ हम रख के लेते हैं। इस तरह से हमने सभी लाइनिंग के जो पार्ट है वो साड़ी के पीस पर बिठा कर लिए हैं। हम अब ये क्रॉस पट्टी है, ये जो हमने लाइनिंग के 4 निकाले हैं, मगर हम इसके साड़ी के हम सिर्फ 2 ही निकालने वाले हैं, तो साड़ी के 2 निकालेंगे। और इस तरह सब रख के हम कटिंग करके लेते हैं। अब
अब हम ये जो लाइनिंग का कपड़ा रख के जो कटिंग करने वाले हैं नीचे के साड़ी के कपड़े का, वो ध्यान में लीजिए, हम साड़ी के कपड़े का और लाइनिंग का सेम कटिंग नहीं करेंगे। हम साड़ी का जो कपड़ा है वो आधा इंच से ज़्यादा रखेंगे। ये देखिए, ये जो कपड़ा है ना साड़ी का, वो हम आधा इंच ज़्यादा लेंगे। इस तरह से हम सभी पार्ट्स को आधा इंच ज्यादा रख के इसकी कटिंग करके लेते हैं। इस तरह से हमने ये सब लाइनिंग साड़ी के कपड़े के ऊपर रख के सबका कटिंग करके लिया है। मगर हाँ, आप ध्यान से देखिए, ये जो साड़ी का कपड़ा है वो मैंने आधा इंच ज्यादा लिया है, क्योंकि साड़ी का जो कपड़ा है वो खिसकने वाला होता है, वो खिसकता है, या कोई ज्यादा हिलने वाला हो तो भी वो हम एक 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 साइज का दोनों लिया तो वो सीने के बाद इधर इधर उधर हो सकता है। इसीलिए हमने ये ज़्यादा लिया है। जब हम लाइनिंग इसके ऊपर सिलाई लाइनिंग को इससे जोड़ कर सिलाई करके लेंगे तो एक्स्ट्रा का जो कपड़ा होता है वो काट देंगे, वो मैं सीने सीते समय आपको बता दूंगी। अब हम ये ब्लाउज सीने के लिए ले सकते हैं। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसके हम ये नेक के लिए जो पाइपिंग करने वाले हैं उसके लिए मैं इसमें से क्रॉस पट्टी निकालेंगे और उससे ब्लाउज की पाइपिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ये कपड़ा जो बचा है उसका मैं यूज करने वाली हूँ। अब हम ब्लाउज को सिलाई लगाते हैं। हमने पिछले वाले हिस्से का लाइनिंग है वो साड़ी के कपड़े के ऊपर इस तरह रखा। ये हमारी ये लाइनिंग का कपड़ा है, साड़ी का कपड़े के ऊपर हमने रख के अब इसे हम पिंस लगा लेते हैं ताकि ये कपड़ा हिले नहीं। थोड़ी अंदर के साइड से हम पिंस लगा लेंगे, उसके बाद में हम इस पे सिलाई करेंगे। ये देखिए, पिन का यूज करके हमने ये लाइनिंग ऊपर के कपड़े को अटैच करके लिया है। लेकिन आप ध्यान में रखिए, जब हम लाइनिंग कपड़े को अटैच करते हैं तो कटोरी, क्रॉस पट्टी और ये साइड के दोनों जो पार्ट है वो सामने सामने रख के हम जोड़ लेंगे, नहीं तो ये दोनों पार्ट एक ही साइड के हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम हो सकती है, इसीलिए हम जब भी अटैच करेंगे तो ये दोनों पार्ट आमने सामने रख के ही उसे अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये सभी पार्ट आमने सामने रखे है। अब मैं आपको एक ट्रिक्स बताने वाली हूँ। ये कपड़ा बहुत हिलने वाला है। हम जो बिगनर होते हैं, जो पहले ही सिलाई करना सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम इसे हाथ सुई धागे से अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हम उसे सुई धागे से अटैच करेंगे। नए लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती है अटैच करने के लिए मशीन पे, तो हम ऐसे इस तरह से हम पूरी इसको सिलाई लगा लेंगे हाथ से। ये देखिए, मैंने पूरी तरह ये हाथ सिलाई करके ऊपर के कपड़े को लाइनिंग अटैच करके लिया है। अब हमें चाहिए तो हम मशीन से यहाँ से पाव इंच मार्जिन से सब जगह पे मशीन लगा सकते हैं, सिलाई लगा सकते हैं और उसके बाद में हम ये कटिंग करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब ये जो लाइनिंग का कपड़ा है वो अब हम ऊपर के कपड़े को मशीन पर कैसे अटैच करते हैं वो देखते हैं। इस तरह से हम लाइनिंग पर पाव इंच का मार्जिन रखते हुए एक पूरी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने लाइनिंग अटैच करके लिया है और इसकी पिंस निकाल लिए हैं। अब इसी तरह से हम पूरे ब्लाउज के सब लाइनिंग ऊपर के कपड़े को अटैच करके लेते हैं और फिर बाद में हम यहाँ से लाइनिंग यहाँ से कट करके लेंगे। लाइनिंग के बराबर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो कट करके लेंगे। इस तरह से पूरे ब्लाउज का हमने स्लीव्स को आज तक नहीं ज्वाइन किया है, वो स्लीव सीते वक्त मैं आपको बता दूंगी। स्लीव्स का हम पलटी करके लेते हैं, इसीलिए हमने स्लीव्स को अस्तर नहीं जोड़ा है।
वो सीते समय मैं आपको बता दूंगी। स्लीव छोड़ के बाकी पूरा ब्लाउज हम इस तरह से अटैच करके ये हमारी कटोरी रेडी है। अब